का आकलन या वजन का जो प्रारूप है हमेशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा महोदय कि लगातार सरकार पीठ, एक मिनट, सरकार पीठ बार बार थपथपाती है कि हमने जो है बजट देखो पहले क्या था, अब हमने देखो 2,37,000 करोड़ का कर दिया, लेकिन 15 साल से ज्यादा वही मुख्यमंत्री, केंद्र में भी सरकार, लेकिन क्या स्थिति है? आपने तो मुख्यमंत्री जी का बयान देखा ही होगा महोदय, ये सवाल जो है क्या मुख्यमंत्री जी का पीठ थपथपाया जाए? और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अपने ही पार्टनर से मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा? देगा लेकिन जब हमने पिछले परसों ही महोदय अपने अभिभाषण में हमने कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, सबके अलग अलग मतलब हैं इस क्षेत्र में, उसमें हमने ये भी बताया कि भाई उप मुख्यमंत्री कहते कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, अब मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मतलब ये है लोग चर्चा देखिए 52% लोग गरीब है बिहार में, अब बजट बिहार जो है सबसे गरीब है, और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाए फिर, जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा 17 साल तक रोज राज किए और डबल इंजन का, कि सरकार को ही ना बोलिएगा, किसको बोला जाएगा तो और किसको बोलिएगा? तो महोदय ये स्थिति जो है पूरी तरीके से, अब देखिएगा बिहार के 38 में से 22 जिलों में आधे से अधिक लोग गरीब, ये स्थिति बनी हुई है, और इन 11 जिलों में 60% से भी ज्यादा लोग जो है गरीब है, जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सुपौल हो गया, जमुई हो गया। अध्यक्ष महोदय थोड़ा निर्देश दिया जाए, आपका समय मिलेगा बोलेंगे। अब शांति से सुनिए अध्यक्ष महोदय, इन नेता प्रतिपक्ष का शांति से सुनिएगा, फिर इधर का भी शांति से लोग सुनेंगे, बैठिए। अब आप देखिए बजट की जहां तक बात करते थे अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सीएजी का रिपोर्ट, हम चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी थोड़ा गौर करें, अगर सीएजी की रिपोर्ट में अगर उप मुख्यमंत्री जी देखें तो ये अध्याय 5 में पेज नंबर 32 पर अगर आप जाइएगा उप मुख्यमंत्री जी, तो इसमें 19-20 का जो सीएजी का जो रिपोर्ट है उसमें 19-20 के बारे में विनियोग लेख खे का सार दिया हुआ है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मूल अनुदान जो है जो 19-20 में था वो 2,502 करोड़ रुपए का था, और कुल अगर बात की जाए तो 2,28,487 रुपए का था, ये हकीकत है। लेकिन आप वही लास्ट के कॉलम में जाइएगा तो बचत भी होता है, वो 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए आप लोग, 80,000 करोड़। अब आप देखिए, अब अगर इसका हम आंकड़ा अगर निकालें डिपार्टमेंट वाइज भी, तो मान लीजिए जैसे कृषि विभाग है, अब कृषि विभाग में अगर आप देखें महोदय तो 41% जो है पैसा खर्च ही नहीं किया गया। सहकारिता विभाग में देखा जाए तो 74% पैसा खर्च नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग में देखा जाए तो 36% नहीं। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में देखा जाए तो 50% नहीं। स्वास्थ्य विभाग में 31% खर्च नहीं किया गया। शिक्षा विभाग में 32% खर्चा नहीं किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में
51% जो है वो खर्चा नहीं किया गया। ऐसे देखा जाए तो टोटल मान लीजिए महोदय कि समझिए कि कहीं 80,000 करोड़ जो है खर्च ही नहीं कर पाए। तो ये बजट जो आप लोग महोदय जो आप लोग पेश करते हैं तो खर्च क्यों नहीं हो पाता, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। बेरोजगारी है, इतना पद है रिक्त खाली शिक्षा विभाग में, हर विभाग में, क्यों नहीं नौकरी दे करके आप शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जो देने का काम करते, जब पैसा बचा हुआ है तो ये तो देना ना चाहिए, ये सारा काम करना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं कर पाते। और खूबसूरती है देखिए महोदय, अगर उसी पन्ने में अगर आप 34 नंबर पे जाइएगा, सॉरी 33 पेज पे जाइएगा, तो मेरा कमेंट नहीं है महोदय, उप मुख्यमंत्री जी आप वित्त मंत्री हैं, ये सीएजी के कमेंट है उसी पेज पे, किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का घोतक है कि या तो कुछ योजनाएं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ। ये तो मेरा रिपोर्ट नहीं है महोदय, ये तो सीएजी का कमेंट है, कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचते तथा विशिष्ट बचते निबंधन, ये है जो मैंने आपको विभाग के सारे गिनाए हैं महोदय। अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है सीएजी की रिपोर्ट में 34 नंबर पेज में कि वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 21,088 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, कुल व्यय का 14% जो कुछ प्राकरणों के अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचते हुई है तथा अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण हैं जो हम बताना चाहेंगे, मतलब आपका जो मूल बजट है उसमें इतना बचत हुआ तो फिर अनुपूरक क्यों लेके आते हैं आप लोग, फिर आप लोग अनुपूरक क्यों लेके आते हैं। अब मान लीजिए जैसे राजस्व विभाग का एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि मूल था 2,939 और टोटल वास्तविक व्यय हुआ 2,152, यानी 800 तो ऑलरेडी बचा हुआ है, तो आप लोग अनुपूरक 533 का फिर क्यों लेकर के आए। मतलब मूल में से ही मान लीजिए बजट का है सब लोगों का डिपार्टमेंट के हमको 1,000 रुपया खर्च करना है, ठीक है, तो 1,000 में से मान लीजिए इन्होंने केवल 600 रुपया खर्च किया, 400 रुपया बचा, तो ये अलग से फिर आ जाते पैसा लेने सदन के अंदर कि हमको 200 रुपया और दो। इसका मतलब क्या है महोदय, ऐसी अगर जाए भवन निर्माण विभाग में अगर आप देखें तो 4,582 का था, अनुपूरक की लोग ले आए 574, बल्कि बचत वास्तविक में था 1,385 का बचा हुआ था। ऐसा कितना देखेगा महोदय जो यहाँ बचत है जिसका कोई काम नहीं किया जा रहा। अब इस पे बात किया जाए, हमारे पास कल तक का पिछले बजट का कल तक का खर्च करने का हमारे पास डेटा है महोदय, यानी डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर का लिस्ट हमारे पास है महोदय, जो 3 मार्च 2022 तक का है डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखा जाए तो जो लास्ट बजट जो था महोदय, जो पिछला बजट जो था 218,302 का था महोदय, 218,302 का पिछला बजट था, और आज मतलब कल तक 3 मार्च तक जो है केवल 105,107 रुपया ही खर्च किया गया। यह सच्चाई है, ये आप जाइए डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर में कल तक का है 3 मार्च तक का, आप केवल जो है 105,107 यानी 48% ही जो है वो पैसा खर्च हुआ, और 48% तब जब आप ट्रांसफर टू पीएल पीडी लिए तब 48%, अगर पीएल पीडी और अदर बीटी हटा दें तो केवल जो खर्चा हुआ वो केवल 74,468 का हुआ है जो कि 34% है। अब आप बताइए आप फिर ले आए हैं 2 लाख
लगभग 38,000 करोड़ का। ये महोदय आश्चर्य है, लोग देखता है सुनता है तो लोग कहता कि भाई पैसा जाता कहाँ है, ये क्या इन्फ्लेटेड करके बजट बनाया जाता है या भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है या मार्च लूट। मार्च लूट महोदय, मार्च लूट। अधिकारियों से जरा उप मुख्यमंत्री जी पूछिएगा, हमको भी नहीं पता था मार्च लूट क्या होता है। मार्च लूट ये होता कि हैन तेन हैन गायब, कहां गया पैसा। तो सीएजी का जो रिपोर्ट है महोदय, इसमें अगर आप देखें सीएजी का वित्त लेखे खंड एक